ग्वालियर में ठगों ने आर्मी जवानों का हार्ट चेकअप का जायजा लेकर महिला डॉक्टर से 99,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। घटना का पता तब चला जब महिला डॉक्टर के खाते में रुपए आने की जगह कट गए। ठगी का पता चलते ही पुलिस से लिखित आवेदन देकर शिकायत की। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी निवासी अर्चना गुप्ता डॉक्टर है, वो GRMC में प्रोफेसर है। 8 नवम्बर को सुबह उनके पति संजीव गुप्ता के मोबाइल नंबर पर एक नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम सतीश कुमार बताया और स्वयं को सेना का अफसर बताते हुए कहा कि उन्हें अपने 25 जवानों का हार्ट चेकअप डॉक्टर अर्चना गुप्ता से कराना है। संजीव ने सतीश कुमार को डॉक्टर अर्चना का नंबर दे दिया। शाम 7 बजे उसी नंबर से डॉक्टर अर्चना के व्हाट्सएप पर कॉल आया। बातचीत होने पर डॉक्टर ने सतीश कुमार को जवानों का चेकअप करने की हामी भर दी। डॉक्टर की बातचीत तय होने के बाद सतीश कुमार ने बताया कि वो आर्मी एरिया कैंप में पदस्थ है। इसके बाद उसने पेमेंट की बात शुरू की। उसने ऑनलाइन पेमेंट करने को कहा और स्टाफ में किसी का नंबर मांगा तो डॉक्टर ने अपने स्टाफ कपिल गांगिल का पेटीएम नंबर दे दिया। इसके बाद ठग सतीश कुमार ने डॉक्टर को बताया कि वो प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, इसलिए उनका सहयोग करें और जैसा वो बताएं वैसा करते जाएं, नहीं तो पेमेंट रुक जाएगा। इसके बाद उसने क्रेडिट कार्ड के अंतिम 4 अंक पूछे और उनके पास 99,511 रुपए का एक मैसेज आया। जैसे ही महिला डॉक्टर ने मैसेज को ओके किया वैसे उनके खाते से रुपए कट गए। ठगी का पता उस समय चला जब उनके खाते से रुपए कटने का मैसेज मिला और उस नंबर पर बात करने का प्रयास किया तो नंबर बंद मिला। ठगी का पता चलते ही पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत की। क्राइम ब्रांच ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। झांसी रोड थाना अंतर्गत श्रीराम कॉलोनी निवासी एक महिला डॉक्टर के साथ में कुछ साइबर ठगों द्वारा लगभग 99,000 रुपये की ठगी की गई है, जिसमें उन्होंने आर्मी जवानों के चेकअप के रूप में कुछ एडवांस राशि देने के नाम पे दोस्त उनकी गोपनीय जानकारी थी वो उनसे फ़ोन करके प्राप्त की और राशि को जब उनको मैसेज आया राशि के डिडक्ट होने का तब उनको अपने फ्रॉड का सूचना लगी, जिस पर से उन्होंने साइबर थाने में पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आवेदन दिया था। सारे तथ्य वेरीफाई करने के बाद में पुलिस में साइबर क्राइम ने इसमें मामला पंजीकृत करके जांच शुरू कर दिया।